इधर छिंदवाड़ा में शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते जो किताबें बच्चों को पढ़ने के लिए मिलनी चाहिए थी वो रद्दी बनकर पड़ी हुई है। मामला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का है, जहां कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को बांटे जाने वाली 2016 से 2022 सत्र की किताबें कूड़े के ढेर की तरह पड़ी हुई है। रद्दी की तरह पड़ी इन किताबों की फिक्र इन जिम्मेदारों को नहीं है। एनडीटीवी ने जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल बघेल से बातचीत भी की है, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। हमारे साथ मौजूद है छिंदवाड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल बघेल सर, यहाँ पे आइए, हमसे कुछ बातें जानते हैं कि क्या कारण है कि किताबें वितरित नहीं हो पाई। सर जैसे कि देखा कि जो स्टॉक में काफी किताबें वहां पे रखी गई और काफी किताबें खराब भी हो गई, तो सर इसके पीछे कारण क्या है? एक्चुअल में प्रतिवर्ष जो है बच्चों को निःशुल्क पुस्तक वितरित करने के लिए आती है और ये सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रखी जाती है। हमारे कार्यालय में कोई स्टॉक नहीं रहता है। विकासखंडों के जो शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके कार्यालय में एक स्टोर रूम बनाया जाता है, वहाँ पुस्तकें आती हैं और वहां से फिर स्कूल को वितरित की जाती हैं। लेकिन 16-17 में क्या हुआ है कि 16-17 के बाद हमारे स्टेट में एनसीईआरटी की पुस्तकें चलने लगी हैं। उसके पहले की कुछ पुस्तकें जो पड़ी हुई हैं 15-16 की, कुछ कुछ हर साल कुछ कुछ पुस्तकें बच जाती हैं तो वो धीरे धीरे करके ज्यादा हो जाती हैं। अब ये जो बची हुई पुस्तकें हैं इनका हम डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर कार्रवाई करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे कि इनको किस तरीके से डिस्पोज किया जाए। सर तो ये जो किताबें वितरित की जाती हैं सर, ये क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र से जिला शिक्षा केंद्र पे आती होंगी, तो सर ये किताबें क्या मतलब विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप आती हैं या इसका कोई हिसाब किताब सर कैसा क्या? विद्यार्थियों के एक्चुअल में प्रतिवर्ष जो दर संख्या रहती है और जो हमारी पोर्टल में मैपिंग होती है उसके अनुरूप पुस्तकें आती हैं। लेकिन कई बार क्या हो रहा है कुछ स्कूलों में ये भी प्रावधान बना लिए हैं प्राचार्यों ने शिक्षकों ने कि जो पुरानी पुस्तकें रहती हैं जो बच्चे अगली क्लास में चले जाते हैं तो वो पुस्तकें भी मतलब वो बच्चों से लेके वापिस लेके उन बच्चों को दे देते हैं। तो इस तरीके से क्या है कुछ पुस्तकें स्कूल से डिमांड कम आती है तो वो एक्चुअल में दर्ज संख्या के हिसाब से डिमांड आती है लेकिन जब स्कूल उठाता है तो कुछ पुस्तकें शेष रह जाती हैं जिसको हम अगले वर्ष के उसमें एडजस्ट करते हैं। तो ये तो गोपाल बघेल जिला शिक्षा अधिकारी जिन्होंने कहा कि जिन्होंने बताया कि ये जो सिलेबस चेंज होने के कारण जो किताबें जो पहले आती थी वो जो किताबें चेंज हो गई तो पुरानी किताबों को यहाँ रख दिया गया जो डिस्पोज नहीं हो पाई। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए छिंदवाड़ा।